हे गाइस, वेलकम टू द आकाश गेमिंग। तो गाइस, मैं आज वर्ल्ड की नंबर वन कलेक्शन दिखाऊंगा, ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट कलेक्शन। और उसके पहले मैं बता दूं कि इस मतलब वीडियो में एक गिवे रहेगा 330 डायमंड, ठीक है, मतलब 250 का टॉप अप, जिसमें से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक में 500 लाइक आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। और गाइज, सब्सक्राइबर जरूर करना पड़ेगा, सब्सक्राइबर डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, उसको उसमें जाके जरूर आपको फॉलो करना है, ठीक है, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। और इसका रिजल्ट जो आएगा कल सुबह 10:30 बजे इसका रिजल्ट आएगा, और जो विनर बनेगा उसको हम 250 का टॉपअप दे देंगे लाइव में, ठीक है। तो गाइज, इसका आज कलेक्शन दिखाएंगे कि भाई इसमें क्या क्या कलेक्शन है, कत्ताई जहर वाला कलेक्शन है, और आप लोगों को देखने के बाद मज़ा भी आएगा, बहुत ही खतरनाक मज़ा आएगा। ये हमारा एक भाई का ही आईडी है, तो इस आईडी का आप लोगों को कलेक्शन दिखाना बनता है, क्या क्या इमोट है, क्या क्या गान है, सब कुछ दिखाऊंगा। और गान की जो कलेक्शन है वो सबसे टॉप वाला कलेक्शन है, ठीक है, जो टॉप टॉप कलेक्शन है, और सब कुछ चलो दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा फालतू ना बता के, ठीक है। प्रोफाइल पहले प्रोफाइल दिखा देते हैं आप लोगों को एक बार। 64 लेवल का है, लाइक है 3266, एलिट पास जो की है सब है, ऐसा भी कोई एलिट पास है नहीं जो इसके पास नहीं है, टोटली सब एलिट पास इसके पास है, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही खतरनाक बड़ा आईडी है, ठीक है ये। तो अभी पहले क्या करेंगे, ड्रेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ड्रेस क्या क्या है, तो ड्रेस देख के गाइस आप लोगों को मतलब कत्ता ही जहर वाला मजा आ जाएगा। तो ये है मैजिक क्यूब, जो कि बहुत दिन पहले का, ठीक है, तो देख ही सकते हो, बहुत ही जोकर की तरह लग रहा है, मतलब क्या बताऊँ, ये मतलब ये बनाने की कोई मतलब कौन ये ड्रेस की मतलब डिज़ाइन करता है, कौन करता है। फिर चलो, ये हेयर इसका फुल ड्रेस है, इसमें किससे मिला था, मैजिक क्यूब से मुझे पता नहीं, मैजिक क्यूब से मिल सकता है, तो इसको लेने में शायद 3000 डायमंड लगी थी, 3000 डायमंड में निकाला था, बहुत ही टफ निकलने में, तो फिर भी निकल लिया, क्योंकि भाई पैसे की ना कमी है, पैसा बहुत है। तो इसमें क्या है, इसमें तो कितने शायद 1200 में बंडल आ जाता है, ले लिया, 1400 में आ जाता है, ले लिया भाई। इससे मैंने क्या कहा, पैसे की ना कमी है, पैसा बहुत है, ठीक है। और इसमें कहा ये भी शायद मैजिक क्यूब का ही है भाई, नहीं तो इसको निकालना पड़ा था सर डायमंड से, तो हैकर स्टोर से इसको निकालना पड़ा था, इसको में शायद 3000-4000 डायमंड लग गया था ज़रूरत, 3000-4000 डायमंड में। ये वाला तो गाइस एलिट पास का है, आप लोगों को पता है एलिट पास का ये बहुत ही खतरनाक ड्रेस है, और ये मुझे पता नहीं किससे मिला था, ये भी एलिट पास का है, ये भी एलिट पास का ही है भाई साहब, इसको कहाँ से मिला ये साथ, भाई देख लो, ये है सबसे भाई अभी तक की, मतलब ये जो है अभी तक की रियर आइटम, ठीक है गाइज, तो ये अभी तक ये रियर आइटम है, सबसे टॉप रियर आइटम गाइज, ये गाइज क्या बताऊँ, मतलब 1,00,000 बंदे के अंदर शायद 2-3 बंदे के पास ये आइटम है, इसमें बहुत सारे डायमंड, मतलब 1,00,000 में सिर्फ 10 बंदे को ये आइटम है, 10 बंदे के पास बहुत सारे डायमंड की ज़रूरत पड़ा था, ये निकालने में शायद 4000 या 5000 डायमंड की ज़रूरत पड़ा था, तो भाई समझ आ रहा है आप लोगों को मतलब क्या कलेक्शन है इस आईडी में। ये तो गाइस डायमंड रॉयल का, ये गाइस एलिट पास का, देख ही सकते हो एलिट पास का ड्रेस खतरनाक है, कत्ता ही जहर वाला, इसको कहाँ से मिला था, एलिट पास का है, हाँ ये भी एलिट पास का है गाइस, ये भी एलिट पास का है भाई। ड्रेस देखने देखने और पूरा कलेक्शन देखने में थोड़ी वीडियो लंबी होगा, तो आप लोग देखो मज़ा आएगा, क्या क्या है अभी तक कुछ भी नहीं है, इसके बाद जो दिखाएंगे तो वो देखने के बाद बताना कि क्या कलेक्शन है। तो ये भी एलिट पास का ही है, इसको भी शायद ग्रीना ने ऐसे ही दे दिया था, मतलब हमको दान किया था, सबको दान किया था, बेकार की ड्रेस, ये डायमंड रॉयल में आया था, तो कितने स्पिन में मिला था मुझे पता नहीं। और गाइज इसमें शायद
3000 डायमंड की जरूरत पड़ा था ये ड्रेस निकालने में, 3000 डायमंड ऐसा कुछ। तो देख ही सकते हो भाई ड्रेस क्या है, कलेक्शन क्या है, बस देखो और मजा लो ठीक है। आप लोग इसको भी शायद गाइज इसको भी 3500 2000 डायमंड में मिला था, 2000 डायमंड में सॉरी, ये बंडल 2000 डायमंड में मिला था। और इसको भी शायद 3000 डायमंड में मिल गया था ये एड्रेस। तो गाइस क्या बताऊँ, कलेक्शन देखो मज़ा आ जाएगा ठीक है। कलेक्शन देखने के बाद मज़ा आ जाएगा कि क्या क्या कलेक्शन है और क्या क्या है। ये भी शायद डायमंड रॉयल में आया था, डायमंड रॉयल में यस। तो ये तो शायद इंक्लूबेटर में था, एलिट पास का, हाँ एलिट पास का था ये भी। और ये भी हमको गेरिना ने ऐसे ही मतलब दान किया था फ्री में कि ले लो, गरीब लोग हो दान ले लो थोड़ी बहुत। दान का चीज देखो, देख ही सकते हो कैसा होता है। और गाइज ये जो बंडल है इसमें शायद 2000 डायमंड की जरूरत पड़ा था, 2000 डायमंड की जरूरत पड़ा था ये वाला बंडल निकालने में। तो गाइज देख ही सकते हो जो कलेक्शन है क्या नहीं है, टॉप कलेक्शन है, मैंने पहले ही बता दिया इसमें सबसे टॉप कलेक्शन है। और गाइज इस वीडियो में रहेगा एक गिव अवे जिसमें आपको 250 रुपीज की टॉप अप मिलेगा। आपको करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो को देखना है पूरा और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना और इंस्टा पे जरूर फॉलो करना है। इसका कल सुबह 10:30 इसका रिजल्ट आएगा और आप लोगों को जो विनर बनेगा उसको 250 का टॉपअप मिल जाएगा। चलो देखते ज़्यादा। तो ये भी बहुत ही रियर आइटम है, मतलब ये भी निकालने में शायद डायमंड की बहुत ज़रूरत पड़ी थी, 2000 या 1000 मुझे पता नहीं, ऐसा कुछ डायमंड की ज़रूरत पड़ा था। ये भी गाइज एलिट पास का है। और गाइज देख सकते हो ये जो हियर है, ये जो हियर है ये बहुत ही कम बंदे के पास है ठीक है, बहुत ही ओपी लेवल का है ये ड्रेस। ओ और गाइज इसमें कितने में मिला था मालूम है, 40 डायमंड में ये ड्रेस निकल गया था भाई। मज़ा आ गया था उस दिन 40 डायमंड में जब ये ड्रेस मिला भाई। ये जो रियर आइटम देख रहे हो इसमें 2000-3000 डायमंड चला गया, लेकिन ये 40 डायमंड में गेरिना ने दान कर दिया कि भाई इसका इतना डायमंड लूट लेंगे तो भाई मतलब क्या बताऊँ। तो मज़ा आ गया, ये भी एलिट पास का ही है, बहुत सारे बंदे को पता है। और इसको कहाँ से बेकार में दिया था शायद, डायमंड रॉयल में मिला था। तो गाइज ये है इंक्लूबेटर की सबसे टॉप जो ड्रेस है, टॉप वाली ड्रेस है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि टॉप की कलेक्शन है, इसमें टॉप वाला कलेक्शन सर नहीं है, ऑल टॉप कलेक्शन है ठीक है। इसमें शायद 3000 डायमंड की ज़रूरत पड़ा था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 4 ब्लू प्रिंट की ज़रूरत पड़ता है। तो 3000 डायमंड इसमें आ गया था, 3000 प्लस मानो, हाँ मान के चलो। तो ये इसमें तो एड्रेस में निकालने में 2200 डायमंड की ज़रूरत पड़ा था ऐसा कुछ। और इसको भी ए वाला ड्रेस में 2000 की डायमंड लगी थी। बहुत ही खतरनाक ड्रेस है देख ही सकते हो। और गाइस जो कलेक्शन में बताऊंगा आप लोगों को दिखाऊंगा, देख के मज़ा आ जाएगा। इसमें भी शायद 2000 या 3000 डायमंड की ज़रूरत पड़ा था, सबसे टॉप कलेक्शन जो कलेक्शन आया था, जो कलेक्शन है सब टोटल कलेक्शन इसमें इसके अंदर है, इस आईडी में है। मैंने इसलिए कह दिया कि इसमें सबसे टॉप मतलब नंबर वन कलेक्शन है ठीक है, मतलब वर्ल्ड नंबर वन कलेक्शन है। तो आप लोग देख ही सकते हो, बेकार की मिला था शायद, बेकार में मिला था, गिरिना ने दिया था शायद, ये भी बेकार की चीज़ है, ये सब चीज़ बेकार में दे दिया, फिर भी चलो ले लिया। आज इसका बंडल पूरी नहीं है, कोई बात नहीं, ये बंडल लेके कोई मतलब, ए वाला बंडल देख लो, ए वाला बंडल निकालने में वो ये तो ओल्ड है, इसमें पता नहीं मेरे को कितने में आया था शायद, कितने ज़रूरत था मुझे पता नहीं, बहुत ही पुराना है वो। आप लोगों को पता एक ब्लैक वाली जो है इसमें टोटल 1400 डायमंड की ज़रूरत पड़ा था, 800 डायमंड की ज़रूरत पड़ी थी इस बंडल को लेने के लिए। तो देख ही सकते हो, हैप्पी बर्थडे केक है। तो गाइस इसमें इसको निकालने में कितना ज़रूरत, इंक्लूबेटर का ड्रेस है आप लोगों को पता है, इंक्लूबेटर ड्रेस नहीं है ये, इंक्लूबेटर ड्रेस है बहुत दिन पहले का ड्रेस है मुझे पता है, टॉप वाला या सेकंड वाला ऐसा कुछ था, जो भी हो इसमें 1000-2000 डायमंड तो चले ही गया था मान के चलो, 2000 डायमंड के आसपास चला था।
ये वाला भी इंक्यूबेटर का है, हम लोगों को पता है, सेकंड वाला था ये, सेकंड वाला ड्रेस। तो इसको कहाँ से मिला था, मैजिक क्यूब से मिला था शायद, ये वाला बहुत ही खतरनाक ड्रेस है भाई, देख के मेरे को तो डर ही लग गया। ये तो थोड़ी दो चार दिन पहले ये दिया था, इसको क्या कहता है, दो चार दिन पहले ये वाला ड्रेस दिया था, मतलब वॉल निकलने के टाइम उसको, इसको इसमें कितना 600 डायमंड की मेरे साथ ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि 300 डायमंड में एक स्पिन था, तो 600 की मान के चलो, 600 डायमंड की ऐसा कुछ था फुल ड्रेस। ये भी बहुत ही खतरनाक ड्रेस है, अच्छा लगता है। तो ये भी एलीट पास का है, बहुत ही पहला का एलीट पास का है ये वाला ड्रेस। तो ये बहुत ही पहले का एलीट पास का ड्रेस है, एलीट पास या इंक्यूबेटर मुझे पता नहीं, ठीक से याद नहीं आ रहा है, जो भी हो चलो मान के चलो ऐसा कुछ। तो चलो ये भी गाइस ये वाला देख लो, इसको में 2-3 हज़ार डायमंड लग गया था, और इसमें तो आप लोग को मान के चलो ये 600 डायमंड में 800 डायमंड के अंदर मिला था, और ये ग्रेना ने गिफ्ट किया था, फाव की चीज़ है मुझे ठीक से मालूम है। ये भी गोल्ड रॉयल में मिला था शायद, गोल्ड रॉयल में तो ये शायद किस में मिला था मुझे पता नहीं। तो ओ भाई साहब ये वाला शायद खरीदा था। तो गाइज यही है कुछ चीज अपने लोगों ने ड्रेस के तो कलेक्शन देख लिया। अभी आप लोगों को जो दिखाने वाला हूँ गाइज, ये देखो गाइज, ये देखो, ये भी एलीट पास का ड्रेस है। वीडियो ज़्यादा लंबा रहेल तो शॉर्ट में दिखाने की कोशिश करूँगा कि जितना शॉर्ट में आ जाए। तो ये कितने ड्रेस में, कितने डायमंड में आया था, ये शायद 1000 डायमंड में आ गया था, ठीक है 1000 डायमंड मान के चलो, 1000 डायमंड में आ गया था। इसके बाद गाइज जार्सी दिखाऊंगा, जो कि ये जार्सी का कितना, कौन सी जार्सी चाहिए आपको, ठीक है। और इसमें गाइज 2-3 हज़ार डायमंड की ज़रूरत पड़ गया था समुराई बंडल, तो बहुत ही 5000 डायमंड लगी थी गाइज, सॉरी 2000 नहीं 5000 डायमंड की ज़रूरत पड़ी थी ये जो समुराई बंडल निकालने के लिए। बहुत ही आपको, आप लोगों को मालूम है बहुत ही रेयर आइटम है, और बहुत ही मतलब बंदे को, बहुत सारे बंदे को वो वाला बंडल पसंद है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, शॉर्ट में दिखाने की कोशिश करूँगा, बहुत ही जल्द सब कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा, जो सबसे टॉप टॉप चीज़ है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। तो सनग्लास बहुत सारे ही है दे मान के चलो, रुमाल वगैरह सब कुछ है, देख सकते हो आप लोग कौन सी वाला, सब भी है टॉप कलेक्शन, मैंने पहले ही बता दिया कि टॉप टॉप चीज़ है। तो अभी दिखाएंगे गाइस आप लोगों को ड्रेस, तो इन लोगों से देख लिया ड्रेस तो दिखा दिया, अभी जर्सी दिखाएंगे। जर्सी कितने टोटल, कितने जर्सी थे आप लोगों को मालूम है, टोटल कितने जर्सी थे, टोटल जर्सी इसके पास, टोटल सब हर जर्सी मतलब सब जर्सी है, देख लो कौन सी वाली जर्सी बात आप करोगे, देख लो गाइस, देख लो जर्सी का बारिश, मतलब उसमें जितना सारा जर्सी था वो जर्सी इस कलेक्शन में है, जो कि बहुत ही कम बंदे के पास ये कलेक्शन है, देख ही सकते हो टोटल ऑल जर्सी गाइस, ऑल जर्सी है इस आईडी में, मतलब आप लोग समझ रहे हो। अभी पैंट जो है जर्सी का, जो पैंट है वो भी टोटल सब है, टोटल मतलब जितना पैंट इसमें था टोटल सब है, हर पैंट इसने निकाल लिया था, देख लो गाइस टोटल 6 पैंट था, तो 6 पैंट ही है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके पास नहीं है, ठीक है। अभी तो ड्रेस के कलेक्शन गाइस अभी देख ही लिया, अभी गान का कलेक्शन दिखाएंगे नहीं तो, देखो देख ही सकते हो गाइस, अभी गान का कलेक्शन दिखाएंगे नहीं तो गाइस बहुत ही लेट हो जाएगा। अभी देख ही सकते हो बंडल, ओ भाई साहब, मनी हिस्ट बंडल भी है, ये भी है, ओ भाई साहब मनी हिस्ट में कितना ज़रूरत पड़ी थी, शायद 2-3 हज़ार तो लग ही गया, और इसको भी 2-3 हज़ार लग गया था मानो, और इसको तो 800 डायमंड की ज़रूरत पड़ा था, इसको भी वॉल निकलने के टाइम में शायद 2-3 हज़ार डायमंड की ज़रूरत पड़ गई थी। ब्लैक निंजा, वाइट निंजा, सब कुछ ही है, मतलब क्या बताऊँ यार, सब कुछ इसके पास है। कलेक्शन बात करूँ तो यार टॉप कलेक्शन है, मैंने पहले से बता दिया, वर्ल्ड बेस्ट कलेक्शन, ठीक है। चलो मान के चलो अभी दिखाते हैं गाइज आप लोगों को गान की कलेक्शन दिखाएंगे अभी आप लोगों को देखने के लिए। गाइज गान की कलेक्शन जो टॉप वाली कलेक्शन है वो दिखाएंगे, देखो गाइज ए है M4A1, सबसे जो टॉप वाला कलेक्शन है वो इसके पास परमानेंटली है, जो है डबल रेट ऑफ फायर वाला, आप लोगों को पता है अर्थ क्विक, ठीक है। तो गाइज आप लोग देख ही सकते हो, तो टॉप वाला दिखाएंगे, ठीक है। AWM देख सकते हो, डबल रेट ऑफ फायर वाला है परमानेंट,
ए भी है गाइस आप लोग देख सकते हो। इसके पास एक AWM थे, बहुत ही पुराना AWM, लेकिन करीना वालों ने वो खुद उठा लिया उसके पास से, क्यों पता नहीं। तो मैंने खुद उसको देखा था। तो जो M10 है, टॉप इंक्लूवेटर, टॉप M10, तो टॉप भी है, सेकंड ये भी बहुत अच्छा है, ये भी इसने ले लिया, रेड वाला बहुत ही अच्छा। देख ही सकते हो भाई, गन की बारिश, मतलब क्या गन लेके आप गेम प्ले करोगे, वही गन है, डबल रेट ऑफ फायर देख सकते हो, वो भी है इसके पास। एक एक बात करोगे तो ये जो एक आया था तो उसके टॉप में जो था वो उसने निकाल लिया। इसमें शायद 3-4 हज़ार डायमंड की तो चला ही गया, मान के चलो 3-4 हज़ार। और गाइस देख सकते हो ड्रैगन AK 520 डेज के लिए अभी तक है, मतलब तब भी परमानेंटली नहीं निकला, मतलब 20,000 डायमंड इसमें चला गया टोटल था, मतलब 700 डेज के लिए था, 750 डेज के लिए था, अभी तक ये 520 डेज के लिए है। आप लोग देख ही सकते हो ड्रैगन, लेकिन परमानेंट नहीं निकला। तो गाइस AK देख सकते हो, AK का कलेक्शन मैंने देखे दिखा दिया। इसमें है UMP जो लेके गेम प्ले करता है, वो लेके खेलता है डबल रेट ऑफ फायर वाला। फिर आ गया MP5 का जो लेके खेलता है रेट ऑफ फायर वाला, बहुत ही खतरनाक वाला रेट ऑफ फायर, वो भी रेट ऑफ फायर भी है। और गाइस डिजर जो कि खतरनाक चलाता है, मेरा हेड हाई टाइम वो फोड़ता है। और गाइस ये है M14, तो आप लोग देख ही सकते हो। और कुपिड स्कार तो सबका पसंद है, बहुत ही अच्छा स्कार है, तो स्कार भी बहुत सारे हैं, आप लोग देख ही सकते हो। VSS की भी बारिश है। फिर आ गया ग्रोजा की, ये है लेजेंडरी जो कि है परमानेंट नहीं, लेकिन फिर भी है, एक कप की मुझे पता नहीं फ्री में आया था या क्या, मैं डबल रेट ऑफ फायर वाला सब लेके खेलता है। तो MP40 का जो बात करें तो देख लो गाइस, ये भी है और टॉप वाला, जो टॉप इंक्लूवेटर वाला MP40 वो भी इसके पास है। तो गाइस MP40 की बात करें तो बहुत सारे है आपको, मतलब पूरा इससे मतलब क्या बताऊँ। और पैन अगर आप लोग देखना चाहते हो तो पैन का भी बारिश है, मतलब ओ एक कब दिया, कब की है भाई, ओ ओ समझ में आ गया। तो इसको वो निकलने में उसको निकल गया था शायद, मानी हिस्ट वैंडल निकलने के टाइम उसको मिल गया था। ओ भाई साहब बहुत ही खतरनाक मतलब कलेक्शन मैंने आप लोगों को, ये कलेक्शन आप लोग देखने के बाद प्लीज़ यार अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। इसमें गिवे है जिसमें 2050 का टॉप अप आपको मिलेगा जो विनर बनेगा, तो लाइक शेयर। ओ भाई साहब, ओ माय गॉड, कार 98 इतना सारा भाई साहब लॉन्चर देख ही सकते हो। फामस की भी तो मून फामस है भाई, क्या क्या फामस लेके गया, बहुत सारे फामस है भाई साहब। ओ भाई ये कहाँ से मिला था, एलिट पास का है शायद, ये कहाँ से मिला, ड्रैगनर कहाँ से मिला मुझे पता नहीं। चलो गाइज आप लोग देख ही सकते हो, 1x8 सबको पता है कि डबल रेट। ओ माय गॉड 1x8 का भी देख लो गाइज, कौन सी वाला 1x8 नहीं है, मतलब क्या बताओ यार, ये तो है गाइज स्पास 12, तो इसका भी बारिश है, देख लो कितना सारा है भाई साहब, ये क्या करेगा इतना लेके, फिर भी ले लिया। ओ भाई साहब M60 का ये लेके रेट ऑफ फायर वाला नहीं, इसमें रेट ऑफ फायर सिंगल और रेंज डबल लेके गेम प्ले करता है, तो बहुत ही अच्छा है, अच्छा कलेक्शन भाई कलेक्शन जो है। ओ भाई ये भी निकल लिया, माँ कसम कितने डायमंड में निकला था मुझे पता नहीं, शायद कार्ड में निकल गया था, उसको कार्ड में निकल गया था। बहुत ही बढ़िया बात है भाई का निकल गया। तो भाई के पास ये भी है, बहुत ही AN94, बहुत ही ए लेके गेम प्ले करता है डबल रेट ऑफ फायर वाला, अच्छा है। काटाना की स्किन की बात करें तो भाई ये सबसे बेस्ट काटाना का स्किन है, अच्छा लगता है मेरे को, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर सेकेंड में जो आया था ये 2 दिन बाद, इसका गिवे हो रहा है ठीक है, जो बंदा विनर होगा उसको ये मिलेगा, ये वाला काटाना मिलेगा ठीक है। 250 का टॉप अप में आपको 330 डायमंड और एक काटाना आपको मिल जाएगा ठीक है। तो गाइस देख ही सकते हो, ओ देख लो टापुड़ी जो है गाइस, हम कहते हैं टापुड़ी, तो बहुत ही अच्छा है, दोनों ही ले लिया, माँ कसम है क्या करेगा यार, इतना टॉप कलेक्शन लेके क्या करेगा, कौन सी वाला गान लेके खेलेगा मुझे यही समझ में नहीं आता है, क्या लेके गेम प्ले करेगा। और गाइस भाई को जो की है
वाल की शक वाल जो वाल है ना उसका शौक बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वाल देख के भाई आप लोग मतलब मजा आ जाएगा। देख लो गाइस, एक ए है, सेकंड ए है, थर्ड इसमें आप लोगों को प्री ऑर्डर में मिला था, तो प्री ऑर्डर ने भाई कर लिया था। तो वाल की शौक ज्यादा है भाई का, तो वाल देख लो गाइस एक बार कि वाल इतना सारा, मतलब ऐसा कोई वाल इसके पास नहीं है कि भाई आया लेकिन इसने नहीं लिया। कौन सी वाल की बात करो भाई, सब कुछ है, सब कुछ है भाई, सब कुछ। अभी दिखाएंगे गाइस इमोट, इमोट की बात करें तो गाइस आप लोग एक एक करके दिखा देते हैं इमोट। देख लो गाइस खतरनाक खतरनाक इमोट की बात करते हैं, इमोट भी साथ सब कुछ है। मुझे पता नहीं हर इमोट को लेके रखा बंदा इतना, मतलब इतना इतना सारा मतलब ले लिया ना सब कुछ, मतलब क्या बताऊँ यार। मैंने बता दिया कि वर्ल्ड की बेस्ट कलेक्शन है गाइस, तो आप लोग देखो मजा आ जाएगा पूरी वीडियो को। कलेक्शन टॉप है तो टॉप ही है। देखो इमोट की बात करें तो इतना इमोट लेके क्या करे, क्या करेगा, मतलब इमोट तो सिर्फ 9 या 8 ही उसमें आता है, उससे ज्यादा तो नहीं आता है, फिर भी क्या करे। देखो 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 क्या क्या रख दिया। देखो भाई इमोट पूरी तो खरीद लिया भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसके पास क्या इमोट नहीं है भाई। इमोट इसके पास पूरा सब कुछ है भाई, क्या बताऊँ यार। इमोट देख लो गाइस, इमोट कौन सी वाला इमोट की बात आप लोग करोगे यार। इमोट देखो क्या करेगा भाई, इसमें लॉक ही नहीं है, हर इमोट इसने ले लिया। जो भी आया था अभी तक, जो इमोट आया इसके पास हर इमोट है, हर इमोट इसने ले लिया भाई। मजा आ गया भाई, देख के मजा आ गया, ठीक है। अभी कार का स्किन की बात करें, कार का स्किन ए वाला, ए वाला, ये वाला टोटो का स्किन, ए वाला टोटो का, कार का आ गया, तीन कार का स्किन आ गया भाई साहब। बाइक का स्किन की बात करें तो 3 बाइक का स्किन है, तो इसमें भी है ये भी है भाई साहब, मजा आ गया देख के। बैक पैकेज की बात अभी क्लिक करके नहीं दिखाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रहा है, तो आप लोग ऐसे ही देख लो बैक पैकेज क्या क्या है, मज़ा आ जाएगा। देखो क्या क्या नहीं है वो भी देखो, लूट बॉक्स देख लो, सब कुछ देख लो भाई क्या क्या है, लूट बॉक्स वगैरह सब कुछ। शार्क बोर्ड की बात करें, स्केट बोर्ड की बात करें, तो जो भी एलिट पास में आया था जो भी है भाई सब कुछ है इसके पास। कत्ता जहर वाला बड़ा बड़े लोग है भाई, ये देख ही सकते हो भाई। ये देखो गाइस मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आता है लेकिन मेरे को मिला नहीं, गरीबों को कोई दान ही नहीं करता है, क्या करूँ बताओ, हमारे जैसे गरीब को कौन दान करेगा। गाइस मेरे को तो मतलब देख ही सकते हो यही है कलेक्शन, तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कलेक्शन है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताना कि आकाश भाई हाँ सही बताया आपने कि हाँ वर्ल्ड बेस्ट कलेक्शन है। तो नीचे UID जरूर कमेंट करना, UID कमेंट करना, लाइक जरूर करना, मिनिमम 500 लाइक होना चाहिए। और आप लोगों को कमेंट करके बताना चाहिए कैसा लगा वीडियो, और इसमें आपको एक काटाना का स्किन मिल जाएगा और 250 का टॉप अप, जिसमें से 330 डायमंड आपको मिल जाएगा। तो गाइस चलो चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगा। टाटा बाय बाय, और रिजल्ट आएगा कल सुबह 10:30 बजे। चलो टाटा गाइज़।